तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। कि एक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी लेबोरेटरी में, और एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पाया कि इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लाइन आर ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लेबोरेटरी में अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ और इसको हीट करता हूँ और फिर इसका स्पेक्ट्रम बनाता हूँ, स्पेक्ट्रम स्क्रीन लेता हूँ, तो इस स्पेक्ट्रम पे हमें कुछ लाइनें ही मिलती हैं। ठीक है, अपनी लेबोरेटरी में कुछ लाइनें मिलती हैं, बट अगर वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार लार्ज नंबर ऑफ लाइन होता, अगर किसी स्टार जैसे बहुत दूर जो स्टार है, तो उस स्टार का मैं स्पेक्ट्रम लेता हूँ, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें पॉसिबल हैं। तो ये बताना कि ऐसा क्यों है कि स्टार जो है उससे जो रेडिएशन आ रही है उसके स्पेक्ट्रम, और जो हाइड्रोजन गैस, दोनों में हाइड्रोजन गैस है, और लेबोरेटरी में जो हाइड्रोजन गैस को हीट करने के बाद जो रेडिएशन आ रहा है उसका स्पेक्ट्रम, तो इन दोनों के स्पेक्ट्रम के लाइन में डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ये जो लाइंस होती हैं वो होती क्या चीज़ है, ये जो लाइंस होती हैं वो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन होते हैं। हर एक की वेवलेंथ अलग होती है, λ1 λ2, ठीक है। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस से ट्यूनिक फोटोन निकलते हैं, फिक्स वेवलेंथ फिक्स फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आते हैं। और फोटॉन्स कहाँ से आते हैं? जब हाइड्रोजन का जो है वो डी एक्साइट होता है। फोटोन कब आते हैं? जब डी एक्साइट होता है। ऐसे तो फोटोन आते हैं भाई, तो डी एक्साइटेशन में फोटोन आते हैं। तो यहाँ ये फोटोन आते हैं, ये रेडिएशंस या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फोटो, इसमें ऑब्वियसली जो लेबोरेटरी है उसमें कम फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब कम डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो कम रेडिएशन या वेवलेंथ मिल रहा है, जबकि स्टार वाले में बहुत ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डी एक्साइटेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा एनर्जी डिफरेंस की वजह से होगा, इसमें हमने कम एनर्जी दिया होगा तो कम कम इंसिडेंट एनर्जी दिया होगा तो कम फोटॉन एक्सेप्ट किया होगा हाइड्रोजन, हम कम फोटॉन एक्सेप्ट किया होगा तो कम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो कम डी एक्साइट हुए होंगे, तो कम फोटॉन आए कम रेडिएशन बना। जबकि अगर एनर्जी हम इसी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी दें जो बहुत सारे एटम्स में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, बहुत सारा फोटोन आएगा, और बहुत सारा अगर फोटोन आएगा तो बहुत सारे रेडिएशंस होंगे, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, और बहुत सारी लाइंस बनेगी। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस मच स्मॉलर देन प्रेजेंट इन स्टार, ये गलत है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर देन देन, ये सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है उस वजह से ऐसा आ रहा है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये कहता है इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट द कोलिजन। अब देखो, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, प्यारा सा बहुत फेमस है, ये न्यूक्लियस है और इसके इस तरह से ग्राउंड स्टेट n=1, n=2, n=2, इस तरह से ऑर्बिट्स या सेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, जो भी नाम दे दो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा कि अगर यहाँ से ये फर्स्ट से सेकंड में फर्स्ट की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 10.2 है। इसका और इसका डिफरेंस 13 में से 3.4 घटा दो, और अगर यहाँ से इसको इधर जाना है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसके 12.1 क्या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, या अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको इसमें से घटा दो। तो कुल मिलाकर अभी तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, तो कुल मिला के अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो इस ऑर्बिट्स में ये 12.1 का फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा और यहाँ से कितना 10.2 का इलेक्ट्रॉन का फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा ए हाइड्रोजन एटम। तो हमने इधर से कितना फोटॉन इंसिडेंट कराया? तो हमने जो फोटॉन इंसिडेंट कराया जो उसकी एनर्जी थी
वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब मिनिमम यार अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, वही एनर्जी एक्सेप्ट करता है जो डिफरेंस के इक्वल हो, तो 5 को थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, 5 को बोलेगा तुम भैया तुम चले जाओ चुपचाप पास हो जाओ। एटम ऐसे बिहेव करता है जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो ये यहाँ से जो भी आएगा ऐसे ग्लास की तरह ऐसे निकल जाएगा, उस फोटोन को कोई भी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व नहीं करेगा, मतलब फोटोन और कोलिजन जो है वो बिल्कुल इलास्टिक है, मस्ट बी इलास्टिक, मतलब कोई भी एनर्जी फोटोन की बर्बाद नहीं हुई, वो एटम एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब क्या होगा अगर तुम, हाँ अब इलास्टिक कम्प्लीटली इन इलास्टिक कब होती है, अब एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए तो ऐसा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए फिर भी इन इलास्टिक रहा, जब तक तुम 10.1 दोगे फिर भी इन इलास्टिक रहा, जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन डालोगे तब वो फोटॉन ये वाला ग्राउंड वाला इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगा, कम्प्लीटली ये जो फोटॉन है कम्प्लीटली अपने आप को डिस्ट्रॉय करके अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस केस में जो कोलिजन है कम्प्लीटली इन इलास्टिक है, कब, जब फोटॉन एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो। लेकिन अगर क्या होगा कि तुम 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो क्या होगा, है ना इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये ना तो 12.1 है और ना तो ये 10.2 है, और ये तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस फोटॉन का जो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कोलिजन होगा कुछ जो 10.2 मतलब इसमें से 10.2 घटा दो तो 10.2 एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बाकी एनर्जी जो है वो एटम में चली जाती है और एटम जो गैस होती है उसके एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक और रोटेशनल जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो पार्शियली इलास्टिक है, मतलब कुछ अब्जॉर्व कर लिया और कुछ एनर्जी उसको मतलब अदर पार्ट में यूज कर लिया। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे तो है तो वो पूरी फोटॉन तो अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, फोटॉन जो आया था 10.6 का तो वो तो अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर पूरी एनर्जी दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरा थोड़ी लेगा, इलेक्ट्रॉन कितना लेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10.2 बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी एनर्जी आएगी जो गैस की वाइब्रेशन जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक और रोटेशनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं है और ये सही है। चलो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन हाइड्रोजन एटम आर इनडिपेंडेंट अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कौन डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इस केस में देखोगे प्यारे बच्चों तो एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 n² z² ये, और हाइड्रोजन की बात करोगे तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 n² ये। दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अब बात करो क्वांटम वेलोसिटी वी फॉर वेलोसिटी, तो रेडियस जो होती है r = r0 n² z होती है, तो हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो r0 n² आ जाएगी। चलो वेयर r0 इज द कांस्टेंट, हम सबको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी v0 z / n आती है हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो वेलोसिटी v0 / n आ जाएगी। तो ये अब यहाँ से आप देख रहे हो एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो nh/2π दैट इज mvr, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जब यहाँ से तुम देख रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी रेडियस ई हाइड्रोजन आइटम में सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है और होता है ऐसा बोर ने बताया। तो अब हमें कहते हैं वी, अब वी एन का प्रोडक्ट वी एन, तो वी एन का प्रोडक्ट वी की वैल्यू रखो वी नॉट और एन, और रेडियस की वी एन और एन ने एन को ख़त्म कर दिया मतलब वी नॉट कॉन्स्टेंट आ गए।
तो पहला जो ऑप्शन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वी एन डिपेंड नहीं कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है, ई आर डिपेंड कर रहा है। देख लेते हैं एनर्जी की वैल्यू कितनी है, बोलो। एनर्जी की वैल्यू है -13.6 और एन स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू देखो, रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस यहाँ से मैं एनर्जी गलत लिख दिया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ से एन स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर और ये जेड ये गायब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो -13.6 यहाँ से इसको सही कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा ये एन स्क्वायर -13.6 एन स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू आर नॉट एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर ने एन स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो एनर्जी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ई आर देख लेते हैं, ई एन, तो ई एन -13.6 एन स्क्वायर और एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन आ जाएगा, मतलब -13.6 एन, ये वाली जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भाई डिपेंड कर गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वी आर देख लो, तो वी आर, तो वी की वैल्यू देखो इधर कितना है प्यारे बच्चों, वी की वैल्यू है वी नॉट अपन एन, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू है आर नॉट अपन एन का स्क्वायर, तो एन ने एन को ख़त्म हो गया, तो ये वी नॉट आर नॉट और एन, तो ये भी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर गया, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और ये नहीं डिपेंड कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों सही है। चलो, लेट ए बी द एरिया इंक्लोज्ड बाय nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, चलो ये हमने हाइड्रोजन का एटम ले लिया और ये प्यारा सा छोटा सा न्यूक्लियस है सेंटर में, तो अब हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है जनरल, ये इसकी जो एरिया मान लो रेडियस इसका nth ऑर्बिट है n सेल, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी पाई और रेडियस r का स्क्वायर। तो रेडियस इन जनरल जो होता था हम लोग पढ़ गए थे n स्क्वायर r नॉट n स्क्वायर अपन z, अगर हाइड्रोजन है तो रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट या nth सेल या nth एनर्जी लेवल का, ये वाली हमारी रेडियस है प्यारे बच्चों। तो ये जो रेडियस है तो एरिया ऑफ nth ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ nth ऑर्बिट का देखो एरिया इंक्लोज बाय nth ऑर्बिट मतलब मैंने निकालना, तो पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट r नॉट n का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो यह जाएगा पाई r नॉट का स्क्वायर और n की पावर 4, दिस इज द एरिया ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या चीज़ निकल गया है प्यारे बच्चों, बोलो। दिस इज बेसिकली नथिंग, दिस इज द एरिया ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की एरिया। अब ये कहता किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस देखो, तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर रेडियस देखोगे तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो एरिया a1 इज इक्वल टू यहाँ से रखो, तो एरिया a1 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियस r1 स्क्वायर, और r1 स्क्वायर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो पाई आर नॉट पाई रेडियस एरिया रखोगे यहाँ पर रखोगे n इज इक्वल टू 1, तो रेडियस आ जाएगा n इज इक्वल टू पाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये जो एरिया है वो a1 वन दैट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको अगर मैं यहाँ यूज कर लूँ, ये वाला जो फैक्टर बन रहा है पाई आर नॉट का स्क्वायर, ये वाला जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ए एन इज इक्वल टू ए वन और दैट इज एन की पावर 4, तो ये वाली चीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें निकालना है ए वन ए एन ए एन अपन ए वन दैट इज इक्वल टू पाई की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की पावर 4, ये वाली चीज आ गई एन की पावर 4। अब लॉग ले लेना दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर लॉग ले लूँ ln नेचुरल लॉग ln, तो ये आ जाएगा ए एन अपन ए वन और ये आ जाएगा लॉग नेचुरल लॉग बेस ई एन की पावर 4, मतलब ये आ जाएगा 4 टाइम्स लॉग ई एन, ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग ई और ये ए एन अपन ए एन, इसी को हम ऐसे बोल दूंगा ln
ln a n अपन a 1 और दैट इज 4 ln p a। तो ये वाला जो ग्राफ है इनके बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, रिलेशन बनाया जाए, तो ये कैसा आ जाएगा। अब देखो, आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो और इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी कि अगर ये वाली जो चीज़ है इसके बीच अगर ग्राफ बनाएं और इसके बीच अगर ग्राफ बनाएं, तो इसको मैं y प्लॉट कर दूं और x प्लॉट कर दूं, तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x। अब y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x कैसा ग्राफ होता है भाई? स्ट्रेट लाइन होता है। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है जिसका स्लोप क्या है? स्लोप 4 है ना? क्लियर है ना? ड्रॉ कर दूं? चलो, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, तो y को मैं इधर प्लॉट करूं और x को मैं इधर प्लॉट करूं, तो ग्राफ ऐसा आता, ओरिजिन से पास होगा, जिसका स्लोप tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो है 4। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। किसके बीच? इधर प्लॉट किए हो ln a n अपॉन a 1 और इधर प्लॉट किए हो प्यारे बच्चों ln n। तो ये वाला जो चीज़ है, इस टाइप का ग्राफ आएगा जिसका स्लोप 4 होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, नेचर ओरिजिन से पास होगा। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें से सही होता है। ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। विल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 4, स्ट्रेट लाइन भी होगा जिसका स्लोप भी 4 होगा, ये भी सही है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। विल मोनोटोनी इनक्रीज विद लीनियर कर्व, कर्व तो आएगा नहीं, सर्कल तो कभी नहीं पॉसिबल है। चलो, कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन बी। अब हम लोगों के पास दो हाइड्रोजन लाइक आयन है और उन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। आयनाइजेशन एनर्जी, आप सबको पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज देना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेज देना। अब हाइड्रोजन में तो एक ही रहता है, चाहे इकलौता है, तो ये यहाँ से ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी। तो कहता है लेट ई आर एल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्पीड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करोगे तो ग्राउंड स्टेट में हमें उन दोनों हाइड्रोजन लाइक एटम की रेडियस, स्पीड, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम कंपेयर करना है और आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो आयनाइजेशन ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये सही लिखा हूँ ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ a इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ b। तो a और b का आयनाइजेशन एनर्जी अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि 13.6 जेड स्क्वायर ऑफ a इज ग्रेटर देन 13.6 जेड स्क्वायर ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी। तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन दिया था, उस आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन से, आयनाइजेशन एनर्जी ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, उस आयनाइजेशन एनर्जी से प्यारे बच्चों हमने एटॉमिक नंबर में रिलेशन निकाल लिए कि जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी। अब यहाँ से कंपेयर करना हमारा आसान हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हमें रेडियस कंपेयर करना है तो रेडियस की जो वैल्यू होती है, यहाँ से देखो, रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपन जेड होता है। अब रेडियस ऑफ ए, अब यहाँ से देखो, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आ गया, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई और आर नॉट कॉन्स्टेंट है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू जेड। अब जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन जेड ऑफ बी, तो रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, रेडियस ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, रॉन्ग है। रेडियस ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ बी होगा। चलो दूसरा, यहाँ से कंपेयर करो एनर्जी स्पीड, यू रेडियस स्पीड, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है प्यारे बच्चों वी नॉट जेड अपॉन एन होती है, तो वी नॉट कॉन्स्टेंट है,
और स्पीड और जेड की वैल्यू, तो स्पीड की वैल्यू यहाँ से, यहाँ से जो ये होता है अपना एन, तो एन की वैल्यू वन है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो जेड इज प्रोपोर्शनल टू वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड। अब वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड मतलब जेड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब वी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, या बी स्पीड ए का बी से अधिक होगा, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही है हमारा। एनर्जी देख लो, एनर्जी देखोगे तो एनर्जी आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर है, तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन हो गया, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर, समझना आप, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं कि जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, अगर जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, निगेटिव वैल्यू है ना, जेड ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, तो जेड किसका ज़्यादा, ए का ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए इज लेस देन एनर्जी ऑफ बी, और इसमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, तो ये भी गलत है। एंगुलर मोमेंटम देखो, तो एंगुलर मोमेंटम अगर देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो एंगुलर मोमेंटम एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो कांस्टेंट आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और वैसे भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है सभी हाइड्रोजन एटम लाइक आयन आयन की सेम होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो हर ऑर्बिट की एक हाइड्रोजन का एक हीलियम का है, तो जो हाइड्रोजन के एन इज इक्वल टू 2 के लिए एंगुलर मोमेंटम है वही हीलियम के लिए एन इज इक्वल टू 2 के लिए एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम एन इज इक्वल टू ए और बी आपस में है इक्वल होगा सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, मतलब ये भी गलत है, मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में ए बी ऑप्शन ही सही है। चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है व्हेन ए फोटोन स्टिम्यूलेट द इमिशन ऑफ अनदर फोटोन द टू फोटोन, स्टिम्यूलेट मतलब किसी चीज़ को उकसाना, नहीं देसी भाषा में बोलते हैं किसी चीज़ को चढ़ा देना, मतलब किसी को कन्विंस कर देना, किसी को मोटिवेट कर देना झगड़ा करने के लिए, मतलब स्टिम्यूलेट करना, तैयार करना, ठीक है, स्टिम्यूलेट उकसाना, अगर एक फोटोन दूसरे फोटोन को निकालता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो एटम के केस में अगर देखो, अगर ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1 में, और ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है तो n इज इक्वल टू 2 में जाता है, और फिर अगर डी एक्साइट होता है तो वो डी एक्साइटेशन में वो क्या करता है कि वही फोटोन जो लिया था वापस कर देता है, रेडिएशन इमिट कर देता है। अब देखो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से एक फोटोन आया, इधर से एक फोटोन आया, और उस फोटोन की जो एनर्जी थी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसकी कितनी थी, इसकी एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13, और इसकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो हमने स्पेशल फोटोन डाले वो फोटोन अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दोबारा वापस आ गया। तो अगर ये फोटोन स्टिम्यूलेट करता दूसरे फोटोन को इमिशन के लिए, तो इसमें क्या खास बात होती है कि इन दोनों की जो एनर्जी है वो, अब देखो अब यहाँ से जो दूसरा फोटोन जंप करेगा, यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ आ गया, तो जब दोबारा डी एक्साइट होगा तो वही फोटोन उसी वेवलेंथ उसी फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा, ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एनर्जी का, मतलब दो फोटोन के बीच अगर कोलिजन होता है ऐसे समझ लो, तो सेम एनर्जी स्टिम्यूलेट होगा तो सेम एनर्जी होगा, एनर्जी अगर सेम है फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है तो फेज भी सेम होता है, अगर फेज सेम है तो मोमेंटम कंजर्व तभी रहेगा जब डायरेक्शन भी सेम होगा, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो अपना बहुत ख्याल रखो, थैंक यू।